पूरा देश आपने लाइन में लगा दिया। किसको लाइन में लगाया आपने? जो ईमान वाले लोग जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दौलत बनाते हैं, उनको आपने लाइन पर खड़ा कर दिया। एक बेस है, जब जाके हमारा ही 3-4 बैठे हैं, हम एक बेस है रात को, जब जाके यहीं पहुंचे और अभी तक लाइन ही आगे नहीं बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। एक बुढ़िया मरी यहाँ पर बेचारी को, मतलब बुतेरा दो लड़के लेके गए लेकिन वो बची नहीं, मर गई। वो भूखी लगी हुई होगी तो उसे सांस ही नहीं आई, अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, खड़े खड़े थी, वो मर गई। देश के कोने कोने में आप चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, शहर में चले जाएं, देहात में चले जाएं, तो 9 तारीख से 8 को ये डिसीजन हुआ, 9 नवंबर से पूरे देश के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई हो। I have deposited my check. Today I am not entitled to get my own money from we are all in taxpayers. If a doctor operates and he does a bad job, you say he's a bad doctor. So how can you allow a government to be doing this? They haven't thought through our money. We have a right. It seems we have been taken off our rights. I don't agree with this kind of governance. With all good intention, Modi should be resigning and giving it up. छोटे लोग खड़े होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ तोड़ के जा रहे हैं वो, और उसमें भी नंबर सुबह से लगते शाम तक नंबर आने के होता, पता चलता कैश खत्म हो गया। मैं तो परसों से यहाँ से लाइन में लग के खड़ा होकर चला गया, 7 बजे लाइन में लगा, शाम को नंबर आया, मेरे को टोकन नंबर दिया, अंदर एंट्री करने नहीं दे रहे पुलिस वाले, ये टोकन नंबर दिया, 4 नंबर दिया हुआ है, एंट्री करने नहीं दे रहे मेरे को। 8 तारीख थे है को, एक शादी है, एक और है जल्दी में, क्या बेकारी की तरह लाइन लगा जाए, बता बेटा, और तबीयत खराब है। मैं कह रहा हूँ जिस अमीर का 100 करोड़ का बिजनेस है उसका 25 करोड़ तो वाइट होगा, और जिस आदमी का 500 रुपए का कारोबार है, 300 रुपए का कारोबार है, मजदूर आदमी, वो क्या करेगा, कैसे जिएगा बताओ ना। नहीं, 50 दिन तक जिंदा कौन रहेगा, सहेगा तो वो जो जिंदा रहेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। गाड़ी का काम करता हूँ मैं, मैंने सुबह से निकला, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने, बताइए आप क्या बच्चों क्या खिलाएगा आदमी, हैं क्या रोटी खिलाएगा, और कोई ला भी रहा है 2000 का नोट तो उसके खुले कहाँ से दें हम, उसे कहाँ से पुराने देंगे नए देंगे। धावे से लेकर के पुलिस से लेकर के तमाम तरह की उसको फुटकर पैसा चाहिए, चिल्लर सबके पास चाहिए, तो ट्रक बंद है, सब्जी मंडी सुनी है, सब्जी खेत में, आलू का भी इन्हें बताया, खेत में जितनी देश की पूरी तरह की सब्जी है, टमाटर से लेकर के आलू से आपके मूली से लेकर के जो भाजियां हैं वो सब की सब या तो खेत में चढ़ रही है या मंडी में चढ़ रही है। 4000 ट्रक खड़े हैं नेशनल हाईवे में यहां से कलकत्ते के रास्ते, वो क्या ले जा रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और हर मालिक जो है ट्रक के लिए वो देता है उसको कुछ 3000-4000 रुपए रस्ते में खर्चे के लिए। अब बिहार के लाइन ढाबे, उनको कहते हैं सर लाइन होटल, ढाबा नहीं, बिहार में जब जाइए था लाइन होटल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खाना खाओ, किसका मजाक बना रहे सर। मोदी 5 साल तक जाना है, टिकने वाला नहीं है, 5 साल के बाद आने वाला नहीं है मोदी। उन्होंने ये भी कहा, अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने जगह गोवा में भी कहा और ये गाजीपुर में भी कहा, जगह जगह जहाँ पर भी वो गए उन्होंने कहा, ये मैंने कोई यकायक फैसला नहीं लिया, एकदम ये फैसला नहीं लिया है, मैं इस ये फैसला लेने से पहले 10 महीने की मैं सीक्रेट मेरी तैयारी थी, तो 10 महीने की तैयारी बहुत होती है, और यदि इन्होंने सही मायने में ये तैयारी की होती और उसके बाद जब ये कहते कि हमने 10 महीने के बाद फैसला लिया है, तो आज हमें पूरे देश के अंदर जो आहाकार मचा हुआ नजर आ रहा है, अफरा तफरी का माहौल है, मैं समझती हूँ कि ये हमें अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए नहीं मिलता। मोदी ने जितने भी अपने पार्टी के पैसे है सारे बाहर कर लिए, सारे ये कर लिए, फिर जाके नोट बंद किए, गरीब आदमी को इसने परेशान किया है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से धन्ना सेठों से पैसा लेकर या फर्जी मेंबरशिप बनाकर तो हम लोग अपनी पार्टी नहीं चलाते हैं, हमारी पार्टी ईमानदारी निष्ठा से तो अपनी पार्टी को चला रही है। इसलिए आप लोग अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए आपने ये जो 10 महीने का कहा कि हमने तैयारी की है, ये बिल्कुल गलत है, आपकी कोई तैयारी नहीं थी, 10 महीने में केवल आपने अपना पैसा ठिकाने लगाया है। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन है,
नेता है, तू ही बोले सारे नेता, क्योंकि सबकी फाइलें बनी हुई है मोदी जी के पास, जो मुंह खोलता है उसकी जबान खींच लेता है। सबको पहले ही पता था, उन्होंने अपना घर पहले ही भर लिए और हमारे घर खाली हो गए, रोटी खाना पैसे नहीं आ रहे, 500 रुपए कमा रहा है वो बेचारा कहाँ जाएगा।